दोस्तों, बीइंग सेल्फ मेड इज ए स्टेट ऑफ माइंड। सेल्फ मेड मींस जब आपके दिल एंड दिमाग में यह बिल्कुल क्लियर होता है कि आपकी सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर डिसिप्लिन एफर्ट्स टुवर्ड्स योर गोल और पर्पस। और जब आप अपनी सेल्फ मेड मेंटालिटी को, अपने एफर्ट्स को, अपनी लर्निंग को, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर देते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाय फ्रेंड, वेलकम टू विद्या डॉट इन। आज हम बात करेंगे एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर की। 2008 का एस्टैब्लिशमेंट है, 120 एकड़ के एरिया में इसका कंप्लीट कैंपस बना हुआ है, जहां से आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लॉ, मास कम्युनिकेशन फील्ड में यूजी एंड पीजी कोर्सेज कर सकते हैं। तो आज हम इसके एफिलिएशन, कोलैबोरेशन, प्लेसमेंट, ऑफर्ड कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर सभी की डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और फ्रेंड्स, अब आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से विद्या डॉट इन की ऐप डाउनलोड करके आप हमसे चैट कर सकते हैं और काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स। सब्सक्राइब विद्या डॉट इन। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी AICTE, UGC, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। 120 एकड़ के एरिया में इसका कैंपस बना हुआ है, जो कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर के पास सिचुएटेड है। जयपुर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी अप्रॉक्स 39 किलोमीटर की है। कैंपस में आपको सभी फैसिलिटीज जैसे कि वाईफाई कैंपस, एसी क्लासरूम्स, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, कैफेटेरिया, जिम, मेडिकल फैसिलिटीज, सभी चीजें विद इन दी कैंपस मिलती हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर का काफी सारी फॉरेन कंट्रीज के साथ एकेडमिक कोलैबोरेशन भी है। इसमें USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, रशिया, जापान की यूनिवर्सिटीज का नाम आता है। इसके साथ साथ इसका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन अमेजन, CNN, कोका कोला, एशियन पेंट्स, डाइसन, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिटैची जैसे कॉर्पोरेट्स के साथ भी है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो NIRF 2022 में इसकी ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 151 है। बीटेक के लिए इसको 133, MBA के लिए इसको 102 रैंक मिली है। इसके साथ साथ इंडिया टुडे ने इसको बीटेक के लिए 65, मास कम्युनिकेशन के लिए 25 एंड लॉ के लिए 32 रैंक दी है। आई होप आपको पता है कि अब आप विद्या डॉट इन के थ्रू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन वन क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं और आपको काफी सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स में डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ के ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में बताते हैं। यहाँ से आप इंजीनियरिंग की फील्ड में बीटेक एंड एमटेक कर सकते हैं। बीटेक आप यहाँ से CSE, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, सिविल, ECE, IT, केमिकल, मैकेट्रॉनिक्स, डेटा साइंस, AI and ML, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी ब्रांचेस में कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,50,000 से लेके 1,90,000 पर एनम तक है। एमटेक आप यहां से CSE, ECE, सोलर एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी जैसी ब्रांचेस में कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,48,000 पर एनम की है। मैनेजमेंट की फील्ड में आप यहां से BBA एंड MBA कर सकते हैं। BBA की फीस 2,25,000 और MBA की फीस 3,35,000 पर एनम की है। MBA आप यहां से फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, एग्री बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहां से BCA कर सकते हैं, जिसकी फीस 1,18,000 पर एनम, MCA कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,64,000 पर एनम की है। लॉ की फील्ड में आप यहां से BLLB, BBLLB, BCOM LLB कर सकते हैं, जिसकी फीस 1,68,000 की है। LLM कर सकते हैं, जिसकी फीस 62,000 पर एनम की है। मास कम्युनिकेशन की फील्ड में आप यहां से बैचलर डिग्री कर सकते हैं, जिसकी फीस 1,18,000 पर एनम की है। मास्टर्स कर सकते हैं, जिसकी फीस 1,12,000 पर एनम की है। आप यहां से BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, जिसकी फीस 1,08,000 पर एनम की है। MIT यूनिवर्सिटी जयपुर में आपको हॉस्टल विद इन दी कैंपस मिलता है, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,00,000 पर एनम की है। अब हम आपको यहाँ के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं। अगर आप यहाँ से बीटेक CSE करना चाहते हैं तो JEE मेंस की रैंक के बेसिस पे आप यहाँ पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक सिविल, ME या फिर ECE जैसी ब्रांचेस में करना चाहते हैं तो 12th में 60% नंबर मार्क्स होने पर भी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से BBA, BCA या फिर BPharma जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं
तो भी आप 12th में 60% एंड अबव मार्क्स होने पर यानी कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां से MBA करना चाहते हैं तो MBA आप मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि CAT, MAT, CMAT के स्कोर के बेसिस पे MBA कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स भी होने चाहिए। अब हम आपको यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं। MIT यूनिवर्सिटी जयपुर अपना हाईएस्ट प्लेसमेंट अप्रॉक्स 40 लाख पर एनम, एवरेज प्लेसमेंट 5,12,000 पर एनम का क्लेम करते हैं। यहां से आपको डेलॉयट, अमेजन, आदित्य बिरला ग्रुप, ओबेरॉय, HDFC बैंक, होंडा, ओला, उबर, बोस, हुंडई, HSBC, IBM, फेडरल बैंक जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट मिल सकता है। बट जब हमने यहाँ के स्टूडेंट्स का रिव्यू चेक किया तब हमें पता लगा कि यहाँ के लगभग 70-75% स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ से BTEC CSE करते हैं उनको लगभग 4-5 लाख का ही प्लेसमेंट मिलता है। कंपनीज तो काफी सारी आती है बट ओवरऑल उनका जो ऑफर्ड पैकेज होता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। इसी तरह से अगर आप यहां से MBA भी करते हैं तो MBA में भी आपको यहां से लगभग 3-5 लाख पर एनम का ही प्लेसमेंट मिल सकता है। ओवरऑल देखें तो काफी सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स ऑनबोर्ड है प्लेसमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, MIT यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम भी काफी अच्छा है, बट फीस के हिसाब से इसका प्लेसमेंट थोड़ा लो है। आप एक बार अपने पर्टिकुलर कोर्स के प्लेसमेंट को एक बार दोबारा से जरूर चेक कर लें, बाकी अवेलेबल ऑप्शन से इसको कंपेयर कर लें, हो सके तो एक बार कैंपस जरूर विजिट कर लें, स्टूडेंट से कनेक्ट करें तभी एडमिशन लें। आई होप हमारे इस वीडियो से आपको MIT यूनिवर्सिटी जयपुर की सभी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। इन केस आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।